हम आपको दिखाने वाले हैं समंदर के अंदर मौत का वो तांडव जो आपने अब तक कभी नहीं देखा होगा। दरअसल पिछले हफ्ते जब ताऊते तूफान ने वहां दस्तक दी तो काल बन चुकी लहरों में बार्ज और कुछ टग बोट्स थी जो फंस गई थी। कई लोगों को उसमें जान गंवानी पड़ी। ऐसे ही टग बोट पर सवार एक शख्स ने अपने आखिरी लम्हों का एक वीडियो बनाया जो हम तक पहुंचा है। इस वीडियो को आप देखेंगे तो आप समझेंगे टग बोट पर सवार लोगों को बच जाने का कितना भरोसा था, मगर अफसोस कि ऐसा हो ना सका। जिस टग बोट का ये वीडियो है उस टग बोट पर 13 लोग सवार थे जिसमें से 11 की मौत हो गई, सिर्फ 2 लोगों को ही बचाया जा सका। अच्छा, जिस शख्स ने ये वीडियो बनाया वो भी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन मरने से पहले उसने ये वीडियो अपने एक दोस्त को भेज दिया था। पहले आप ये वीडियो देखिए। सब उखड़ गए, पटरी पटरा सब उखड़ गए। इसके एक वेसल बता, पहले सप्लाई वेसल वो है ग्रेट शिप का, ग्रेट शिप अहल्या। अरे जिंदगी झंड हो जाएगी अगर। अरे कुछ नहीं यार, लाइफ में होता रहता है, चिल यार, मस्ती करो। लाइफ में रिस्क रखना चाहिए, ठीक है। ये सोच इंजन रूम से कैसे पानी पूरा निकल जाएगा और 2 घंटा, वो 2 घंटे के बाद शांत हो जाएगा। अंदर 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 आ जा, अंदर आ जा, मुझे ये लग रहा है अंदर। ये टग बोट वरप्रदा के डूबने से ठीक पहले का वीडियो है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं लहरें किस तरीके से टग बोट को डुबाने पर आमादा हैं। तेज लहरों की वजह से बार बार इस टग बोट के भीतर पानी भरता है और बोट जो है वो इंच इंच करके डूब रही है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जो आवाजें आप सुन रहे हैं उसमें वहां मौजूद लोगों को इस बात का शायद अंदाजा नहीं है। एक वेसल सप्लाई वेसल वो है ग्रेट शिप का, ग्रेट शिप अहल्या। अरे जिंदगी ठंड हो जाएगी अगर। अरे कुछ नहीं यार, लाइफ में होता रहता है, चिल यार, मस्ती करो। लाइफ में रिस्क रखना चाहिए, ठीक है। ये सोच इंजन रूम से कैसे पानी पूरा निकल जाएगा और 2 घंटा, वो 2 घंटे के बाद शांत हो जाएगा। अंदर 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 आ जा, अंदर आ जा। पटरी पटरा सब उखड़ गए। इसके एक वेसल बता, सप्लाई वेसल वो है ग्रेट शिप का, ग्रेट शिप अहल्या। अरे जिंदगी ठंड हो जाएगी अगर। अरे कुछ नहीं यार, लाइफ में होता रहता है, चिल यार, मस्ती करो। लाइफ में रिस्क रखना चाहिए, ठीक है। ये सोच इंजन रूम से कैसे पानी पूरा निकल जाएगा और 2 घंटा, वो 2 घंटे के बाद शांत हो जाएगा। अंदर अंदर अंदर
अंदर आ जा, अंदर आ जा। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त, ये उसी टग बोट पर बनाया गया वीडियो है और ये दूसरे हिस्से से बनाया गया वीडियो है। तो टग बोट के दूसरे हिस्से पर बनाया गया ये वीडियो आप देखिए, इस तरफ भी जाहिर सी बात है समंदर है, समंदर के बीच में टग बोट है, तो इस तरफ भी उसी तरीके से लहरें तांडव करती हुई नजर आ रही है, ऊंची ऊंची लहरें। और इस वक्त जब ये वीडियो बनाया जा रहा था उस वक्त समुद्र में 30-30 फीट ऊंची लहरें उठ रही थी। इतनी ऊंची ऊंची लहरों पर ये टगबोट जो हिचकोले खा रही थी और टगबोट पर जो लोग सवार थे उनकी जिंदगी मौत के बीच झूल रही थी। इसी पर चर्चा करने के लिए आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे सहयोगी मृत्युंजय सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मृत्युंजय के पास आपको सीधे लिए चलते हैं और जरा जानते हैं मृत्युंजय से कि ये तस्वीरें, ये वीडियो जिसमें साफ नजर आ रहा है कैसे लहरों के बीच ये मौत का तांडव हो रहा था और जो आवाजें हमें सुनाई पड़ रही हैं उससे ये भी समझ में आ रहा है कि शायद एडवेंचर रिस्क के चक्कर में जान गवा बैठे ये लोग। रोमाना, अगर कोई कहे कि आपने मौत को सामने देखा है तो ये तस्वीर काफी है। आप कल्पना कीजिए, जो व्यक्ति वीडियो बना रहा है, जो व्यक्ति वीडियो बनवा रहा है, जो व्यक्ति अपनी चिंता जाहिर कर रहा है और जो व्यक्ति हिम्मत दे रहा है, उन सब के सामने मौत खड़ी थी। ये तस्वीर 17 तारीख की है जब मुंबई के समुद्री किनारे से साइक्लोन ताउते गुजर रहा था। इसके चपेट में कई बार्ज आ गए थे, कई जहाजें आ गई थी, कई टगबोट आ गए थे, उसी में से ये टगबोट है वरप्रदा। वरप्रदा पर कई लोग, 13 लोग सवार थे। इन 13 लोगों में नसीब वाले सिर्फ 2 लोग थे, 11 लोगों की मौत हो गई। इसी में जो एक युवक है, इसका नाम है सूरज चौहान। सूरज चौहान 22 साल का युवक है और जरा इसके चेहरे पर देखिए और इसकी बातचीत सुनिए। सूरज चौहान अपने साथी से बातचीत करते हुए कह रहा है, देखो सब टूट गया, सब बर्बाद हो गया, जिंदगी खराब हो जाएगी। और देखिए पीछे से बैकग्राउंड आवाज आती है, लाइफ है, रिस्क लेना चाहिए, ये होते रहता है, 2 घंटे में सब कुछ गुजर जाएगा। लेकिन किसने सोचा था कि 2 घंटे बाद ये मौत बनकर आएगी। ये तस्वीर टग बोट वरप्रदा की है, मुंबई के समुद्री तट से 35 किलोमीटर दूरी पर यह घटना हुई थी। चक्रवाती तूफान ताउते की चपेट में यह टग बोट आ गया था और बुरी हालत थी। आप हम तस्वीरों में लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे लहरों में ये जहाज झूम रहा है। और आपको बता दें कि जो हमें जानकारी मिली है कि इस टग बोट में पानी भरना इसी तरह से धीरे धीरे शुरू हुआ और एक समय आया जब यह टग बोट पूरी तरह से पानी में समाहित हो गया। अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते थे कि ये क्या साइक्लोन गुजर जाएगा, हमारी ज़िंदगी बचेगी रहेगी। चलिए इन पलों को हम अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लेते हैं, इन पलों को हम अपने भाइयों को बताते हैं कि देखिए हम कैसे किस खतरनाक मौसम में, किस खतरनाक हालात में काम करते हैं। पर किसी ने नहीं सोचा था कि ये बताने के लिए वो खुद हमारे बीच नहीं होंगे। 22 साल का युवक की जान गंवाई, ये जो पूरी घटना हुई है, देखिए हम किस प्रकार से वरप्रदा जो टग बोट है किस प्रकार हादसे का शिकार हुआ। इस वीडियो बनाने के कुछ घंटे बाद ये जहाज पूरी तरह अरब सागर में समाहित हो गया और 13 लोग अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में कूद गए। नसीब वाले सिर्फ 2 लोग थे, एक 51 साल के फ्रांसिस थे और एक 22 साल का युवक, बाकी 11 नसीब वाले नहीं थे और उनके शव मिले। आपको बता दें कि ये जो युवक है 22 साल का, जो हमें नीले रंग के चेक टी शर्ट में नजर आ रहा है, ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का रहने वाला है। और इनके पिता भाई, इनको तो अंदाज़ा भी नहीं था कि समुद्र की गहराई क्या होती है, समुद्र में काम क्या होता है। उनके पिताजी यहाँ आए हुए हैं, हमारी उनसे फ़ोन पर बात हुई, उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई और ये बहुत स्वाभाविक है, कोई भी समझ सकता है। हम इस डर से, हम ये घटना देखकर बहुत ही दुख हो रहा है हमें, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं पिता के लिए कितना बड़ा दुख का पल होगा। उनके भाई से हमारी बात हुई, उनका DNA टेस्ट कराया गया है। आप बार बार सूरज चौहान का जिक्र कर रहे हैं, 22 साल का लड़का जो ये वीडियो बना रहा था, मुझे लगता है उसका वो आखिरी वीडियो जिसमें वो बाकायदा अलविदा कह रहा है। इन लहरों को देखकर उसके मन में डर भी है लेकिन वो बहादुरी से इनका सामना भी करने के लिए तैयार नजर आ रहा है। ये वीडियो दर्शकों को देखना चाहिए, सूरज का ये वीडियो, ये नीले रंग की टी शर्ट सूरज ने पहनी हुई है,
उसकी सबसे पसंदीदा टी शर्ट थी। एबीपी न्यूज से जब परिवार वालों ने बात की तो ये जानकारी परिवार की तरफ से बताई गई कि ये नीले रंग की टी शर्ट सूरज की फेवरेट टी शर्ट और वो अक्सर इसे पहना करता था। आपने देखा सूरज वही परिवार बता रहा है कि अपनी फेवरेट नीले रंग की टी शर्ट में उस दिन भी था। सूरज ने सोचा ना होगा कि अंत इस तरीके से होगा, क्योंकि जो साथी इस टंगबोट पर सवार थे वो ये हिम्मत जता रहे थे कि दो घंटे की बात है, दो घंटे के बाद सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। समुद्र के अंदर लहरें और ज्यादा मौत का तांडव करती हुई नजर आई और आखिरकार इन 13 में से 11 लोगों को मिल गए। मेरे साथ जितेंद्र दीक्षित भी इस वक्त मौजूद हैं। जितेंद्र, इन तस्वीरों को देखकर सिरहन पैदा हो रही है, वो डर, वो खौफ जो साफ तौर पर इन तस्वीरों से बयां हो रहा है, मौत का डर क्या होता है वो दिख रहा है इन तस्वीरों से। देखिए, इन तस्वीरों में हमें लहरें तो दिख रही हैं, लेकिन ये लहरें कितनी तेज़, कितनी खतरनाक थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस दिन ये तूफान आया था उस दिन गेटवे ऑफ इंडिया की जो सुरक्षा दीवार थी उसका एक हिस्सा ढह गया था इन लहरों की मार से, जो कि 1924 में जब गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था तब से लेकर अब तक शायद ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। ये 100 साल के करीब का इतिहास है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि लहरों के थपेड़ों से जो सुरक्षा दीवार है उसका ही हिस्सा टूट जाए। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति रही होगी, कितनी खतरनाक स्थिति रही होगी। और यह हादसा टाला जा सकता था, यह हादसा और जो दूसरा हादसा बाज का हुआ था, बाज 305 का, दोनों ही हादसों को मिलाकर कुल 86 लोगों की मौत हुई। इस हादसे में 11 लोगों की हुई और बाज वाले हादसे में 75 लोगों की हुई। और ये पूरी जानकारी हफ्ते भर पहले से ही मौसम विभाग की ओर से दी जा रही थी, तमाम प्रसार माध्यमों की तरफ से दी जा रही थी कि इस तरह का तूफान आने वाला है, इतनी तेज हवाएं चलेंगी, इस तरह की लहरें उठेंगी। लेकिन इसके बावजूद भी किनारे पर नहीं लगाया गया इस बाज को, ना तो इस टगबोट को, और इतने सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है? हमने इस मामले में अपना इन्वेस्टिगेशन किया, हालांकि मैं आपको बता दूं मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और डीजी सिपिंग ने भी इंक्वायरी के आदेश दिए हैं, तो उनकी जांच में जो कुछ भी निकलेगा वो अलग है। लेकिन हमने पता किया तो ये बात सामने आती है कि आम तौर पर कैप्टन पर ये दबाव रहता है कि ऐसी कोई भी स्थिति हो, इमरजेंसी स्थिति हो, तब भी कंपनी की ओर से दबाव डाला जाता है कि आप अपने जहाज को, अपने बोट को या अपने बार्ज को किनारे पर ना लगाएं, बल्कि उसको समुद्र में ही रहने दें, क्योंकि किनारे पर लगाए जाने से कंपनी को आर्थिक नुकसान होता है। प्रतिदिन के हिसाब से जो कंपनी की आय होती है उसका नुकसान होता है, तो पैसों के लिए लोगों की जान के साथ खिलवाड़ होता है। इस तरह की जानकारी हमें शिपिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग इस हादसे के बाद में दे रहे हैं। दूसरी अहम बात यहाँ पर यह है कि जो बार्ज इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें से कई बार्ज जो कबाड़ में बेचे गए शिप्स होते हैं, जो अलंग, गुजरात के अलंग में जो शिप ब्रेकिंग यार्ड है वहां पर जिन जहाजों को कबाड़ में बेच दिया जाता है, ऐसे जहाजों को कुछ कंपनियां खरीद कर उनको बार्ज में तब्दील करती हैं और ऐसे बार्ज को फिर समंदर में उतार दिया जाता है, उनमें उनको उनमें डॉर्मेटरीज बनाई जाती हैं। जो लोग ऑयल रिग्स पर काम करते हैं या बड़े जहाजों में काम करते हैं उनको ठहराने का वहां पर काम होता है और ये बेहद खतरनाक होता है, क्योंकि बहुत ही अस्थायी तरीके का काम उसमें किया गया होता है उन बार्ज में। पहले से ही वो बार्ज में जंग लग चुकी होती है, वो डैमेज होते हैं और हल्का फुल्का मरम्मत का काम करने के बाद उन्हें समंदर में उतार दिया जाता है। और जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है, जब इस तरह से समुद्र के थपेड़े लगते हैं, लहरों के थपेड़े लगते हैं, तो फिर ये बात जवाब दे देती हैं और लोगों की मौत हो जाती है। जितेंद्र दीक्षित, ये जानकारी मिल पा रही है कि ये जो टगबोट वरप्रदा है, क्या ये उसी बार्ज P305 के साथ कनेक्टेड थी? इस पर जो 13 लोग सवार थे जिसमें से 11 की मौत हो गई, सिर्फ दो ही बच पाए, वो भी क्या उन्हीं कंपनीज के एम्प्लॉयज थे जो बार्ज पर लोग एम्प्लॉयज थे, वहां पर जो कंपनियां थी जिन्होंने लोगों को नौकरी दी हुई थी? नहीं, ये दोनों मामले रोमाना अलग हैं। बार्ज का मामला अलग है, टगबोट का मामला अलग है, दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। मेरे सहयोगी मृत्युंजय सिंह इस बारे में कुछ और जानकारी दे रहे हैं। हम मृत्युंजय के पास चलते हैं और जरा जानते हैं मृत्युंजय से कि ये टगबोट पर जो लोग सवार थे वो कौन थे, इनको लेकर कौन फैसले ले रहा था, इसकी कोई जानकारी सामने निकल कर आई है?
रोमाना देखिए 17 तारीख को जो घटना हुई थी उसमें चार अलग अलग घटनाएं हुई थी। एक घटना जो पिछले पूरे हफ्ते भर चर्चा में रही वो P-305 बार्ज का था जिस पर 261 लोग सवार थे। इसके अलावा तीन और अलग अलग घटनाएं हुई थी जो कि जो बार्ज थे या फिर जो शिप थे, टग बोट थे। ये जो टग बोट है वरप्रदा, इसका काम होता है जहाजों को खींचने का, तो ये जो है वो गाल कंस्ट्रक्टर नाम का एक बार्ज था जिसको खींचने के लिए ये साथ में लगाया गया था। तो गाल कंस्ट्रक्टर पर जितने लोग सवार थे उनको तो बचा लिया गया, लेकिन ये जो वारप्रदा है जिसका काम होता है टग बोट का काम कि बारिश को खींचकर किनारे लाना, ये इस तूफान की चपेट में आ गया। आपको बता दें कि देखिए बारिश जो होता है वो एक होटल जैसा होता है, उसमें इंजन नहीं होते हैं, उसमें आप कोई चाहे इंजन उसको आप कहीं दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, उसको ले जाने के लिए आपको टग बोट की जरूरत होती है। बार्ज रहने के लिए होता है, एक जगह पर फिक्स होता है स्टेशन ONGC के लिए, तो वहां पर लोग काम करते हैं, रहते हैं, मेडिकल की सुविधा होती है। जब जरूरत होती है तो उसको टग बोट से खींचकर किनारे लाया जाता है, बंदरगाह पे लाया जाता है। तो ये जो वारप्रदा है ये गाल कंस्ट्रक्टर नाम के बार्ज के लिए टग बोट था और उसमें 13 लोग सवार थे जो इस तूफान की चपेट में आ गए। क्या हुआ था, जब तूफान आया था तो गाल कंस्ट्रक्टर से इसका संपर्क भी टूट गया, यानी कि जो रस्सी एंकर होते हैं वो टूट गए और ये जो गाल कंस्ट्रक्टर अलग हो गया और ये जो टग बोट है वरप्रदा ये अलग हो गया और इसके बाद ये हादसे का शिकार हो गया। गाल कंस्ट्रक्टर भी हादसे का शिकार हुआ था लेकिन नेवी ने समय रहते सभी को बचा लिया, उस पर भी 196 लोग थे, सभी को बचा लिया गया। एक रोमाना एक और नई बात बताना चाहूंगा, कितने दुखद है ये जिस युवक की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, आप कल्पना करेंगे 7 दिन पहले ही ये लड़का इस जहाज पर गया था। 9 मई को यह लड़का विघ्नहर्ता नाम की जहाज पर काम कर रहा था जो इसी कंपनी का है जो कि ग्लोरी शिपिंग कंपनी नाम की है, उसी के अंतर्गत आता है विघ्नहर्ता। 9 मई तक इस लड़के ने विघ्नहर्ता जहाज पे काम किया, 10 तारीख से ये इस टग बोट वारप्रदा पे गया था और 17 तारीख को ये हादसे का शिकार हो गया। तो ये बड़ी दुखद बात, चौहान जिसने ये आखिरी वक्त में वीडियो बनाया, इसी वीडियो को देखकर आप और हम समझ पा रहे हैं कि उस वक्त समुद्र में किस तरीके का तूफान था, लहरें किस तरीके से आक्रोशित थीं और किस तरीके से समुद्र इतने लोगों को ली गया। अगर गंभीरता से शायद उस चेतावनी को लिया जाता जो वक्त रहते मौसम विभाग की तरफ से दी गई थी तो इतनी जाने नहीं जाती। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र दीक्षित, मृत्युंजय सिंह इस तमाम जानकारी के लिए।